लॉयलिटी पेड स्क्रिम्स। सही सुना आप लोगों ने यार, मैं तुम्हारा प्यारा लीडर स्टार्ट कर चुका हूँ लॉयलिटी पेड स्क्रिम्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 रीजंस दूंगा क्यों लॉयलिटी पेड स्क्रिम्स बेस्ट होने वाला है एंड मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, मैंने इसे स्टार्ट किया तो किया क्यों, बट उससे पहले कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि लीडर भाई तो पेड एंड इन्वाइटेड के अगेंस्ट है यार, वो तुमको सपोर्ट ही नहीं करते, अब क्या हो गया भाई, सारी हवा निकल गई क्या। अरे भाई, इसी डाउट को तो सॉल्व करूंगा आज मैं, तो सुनो ध्यान से। ओके, जब किसी के मेहनत को ना पैसे एंड इनवाइटेड स्लॉट से खरीदा जा रहा है ना, तब मैं उसका अपोज करता हूँ, ठीक है। एंड मैं लॉयलिटी पेड स्क्रीम में किसी को ये तो नहीं कह रहा कि भाई तुम कितने भी मेहनत करके क्वालिफाई कर लो, मैं तुम्हारे सेम राउंड का स्लॉट 50 रुपए में बेच दूंगा, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा ना यार। नहीं भाई, पहले आप लोग समझो कि यार स्क्रिम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। या तो लॉयलिटी फीडबैक स्क्रीम की बात करो या फिर तुम लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स की, ठीक है। दोनों ही जगह तुम्हें मतलब स्पोर्ट्स ना सीखने को मिल रहा है, दोनों ही जगह तुम्हें टूर्नामेंट की प्रैक्टिस मिल रही है, ठीक है। जब तक मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ देखो, जब तक आप प्रैक्टिस करके खुद को इम्प्रूव नहीं करते ना, जब तक आप प्रैक्टिस करके नई चीजें नहीं सीखते ना, एंड जब तक आपको प्रैक्टिस के बाद अपने अंदर की प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस ना मिले ना, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं है यार, वो टाइम पास है, ठीक है। जो पुराने लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है कि यार लॉयलिटी फ्री स्क्रीम जो मैंने करवाया पिछले 4-5 महीनों में, मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट लगाया है उसमें, ठीक है। एंड हमेशा मैं कास्टिंग के टाइम पे या फिर जब भी व्हाट्सएप के पर्सनल की बात करो या फिर तुम बात करो इवन कॉल पे, ओके, आपको आपकी गलतियां बताते रहूं, ठीक है, कुछ नया सिखाने की ट्राई किया हूं, ठीक है। एंड आज प्रैक्टिस करो तो मैं कल प्रैक्टिस स्क्रीम्स की एक एनालिसिस वीडियो चैनल पे आती है एंड उसमें आपकी गलतियों और उसकी प्रैक्टिस सॉल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है। 4K कास्टिंग के साथ ओवरले वाली चीजें जो भी मतलब अच्छी तरीके से स्ट्रीम करता हूँ मैं, ये सब चीजें ना मैं तुम्हारे लिए फ्री में करवाया हूँ, ठीक है। एंड अब आती है लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स, ठीक है। और मैं क्या ही बोलूं, देखो बाकी पेड स्क्रीम में क्या होता है कि यार ऑर्गेनाइजर को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा खेल रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर तुम्हारी टीम मिसप्लेस हो जाती है रूम के अंदर, गलती से स्टार्ट हो गया, जो भी सीन हो गया, स्कैम वगैरह हो गया, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, ओके। एंड तुम नॉर्मल पेड स्क्रीम में कितने भी तुम अच्छा परफॉर्म कर लो, ओके, तुम एक नॉर्मल पेड स्क्रीम्स में जहां भी तुम अभी खेल रहे हो वहां भी तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दो, तुम्हें तुम्हारी तो टीम के अलावा तुम्हें कोई देखने नहीं वाला, ठीक है, कोई नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें कोई देखने नहीं वाला कि तुमने कोई क्लच किया कि नहीं किया, वो तुम खुद रिकॉर्ड करोगे, खुद डालोगे, एंड उधर भी व्यूज मिलने वाले क्योंकि हमारा गेम ही बहुत प्यारा है, उसकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, तो क्या ही बोलूं मैं अभी आगे, तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब तुम पैसा भी लगाओ, ठीक है, एंड प्रैक्टिस के नाम पे 100-150 रुपया के लिए 2 घंटे तुम वेस्ट भी करो, कुछ सीखने को भी ना मिले, कुछ एक्सपोजर भी ना मिले, कुछ सपोर्ट भी ना मिले, कुछ तुम्हारे टैलेंट को इज्जत भी ना हो, तो यार तो क्या फायदा है ऐसे जगह पेड स्क्रीम खेल के, तुम मुझे बता दो बस एक बार, ठीक है। एंड ऐसे टाइम पे ना और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ना मतलब देखते हुए मैं लाया हूं लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स, ओके। एंड देख लो, अगर तुम पेड स्लॉट नहीं ले सकते ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सेम कास्टिंग सेम क्वालिटी तुम्हें वीकेंड्स को फ्री में भी मिल जाएगी। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं 5 पॉइंट्स के अंदर लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, तो यार बिल्कुल तुम्हें समझाऊंगा अच्छी तरीके से कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहां होगा, कब से होगा, ओके। तो जस्ट बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट, ओके। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 है अपना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे होगा, देखो लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स के ना मतलब 2 फॉर्मेट्स होंगे, ओके। पहला नॉर्मल वाला जिसमें होगा 50 रुपये एंट्री फीस, प्राइस पूल 450 रुपया, टॉप 3 या फिर टॉप 5 को प्राइस पूल मिलेगा। देखो टॉप 5 को प्राइस पूल इसलिए दे रहा हूँ ताकि यार स्टार्टिंग में जो टीम्स पहली बार या फिर नया पेड स्क्रीम्स खेलना शुरू कर रही है, ठीक है, तो यार कम से कम टॉप 5 टीम्स को कम से कम ऐसा तो होगी भाई पैसा तो रिफंड मिल जाए नीचे वालों को, ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है। अभी देखो वहाँ पे फिर 6 मैचेस देखने को मिलेंगे तुमको, वो भी लाइव होगा, एंड बाकी सारी चीज़ें तो मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताऊंगा। देखो दूसरा फॉर्मेट है अपना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है, जहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल जैसा होगा, समझो इसमें दिन में 2 लॉबीज होंगी, दोनों में से टॉप 6 क्वालिफाइड टू फाइनल्स होंगी, एंड फाइनल्स डेली शाम 6 बजे होगा, जहाँ पे 4K कास्टिंग के साथ जो मैं खुद करूंगा, ठीक है। इसमें मतलब 50 से 100 के बीच में एंट्री फीस होगा, 1000 से 5000 तक का प्राइस पूल होगा, एंड तो यार अब अर्निंग के लिए ना बेस्ट ट्रस्टेड एंड लॉयल प्लेटफॉर्म ढूंढ के दिया हूँ तुमको, ठीक है, वो लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स। अभी देखो अगर तुम्हें और डिटेल्स चाहिए तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, एंड उसका एडमिन मतलब कि मुझे करो मैसेज, मैं तुम्हें बता दूंगा, समझा दूंगा सारी चीजें। तो ये देखो बढ़ते बेनिफिट्स की तरफ, ठीक है, तो मैं खेलने का फायदा क्या मिल रहा है। सेकंड पॉइंट अपने देखो क्वालिटी कंपटीशन या फिर जो भी बोलो तुम, डिमांड जो भी है तुम देखो समझने का ट्राई करो, ठीक है। देखो जो लोग पुराने हैं वो, ठीक है, एंड जो लोग लॉयलिटी स्क्रीम्स खेले हो फ्री वाले भी हैं, उन्हें पता है कि यार अच्छे से कि क्वालिटी कंपटीशन एंड पब्लिक का क्रेज़ कितना हाई रहता है हमारे यहाँ अपने यहाँ, ठीक है। तो यार मैं बता दूँ एक बार कि यार खेल के देखो बस, ठीक है, सब कुछ चेक करना, कास्टिंग मैनेजमेंट बिहेवियर लॉयलिटी एंड कंपटीशन, देन आगे बढ़ना, ओके। बट देखो एक चीज़ और है कि क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो देखो सेकंड फॉर्मेट अपना क्या था कि क्वालिफिकेशन बेसिस, हाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा कि यार पैसे दे के कोई भी पेड स्क्रीम में घुस गया खेला कंपटीशन, वहाँ पे थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है, बट इसके लिए मैं वो कर रहा हूँ ना कि मान लो टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करेगी 2 लॉबीज से, एंड फाइनल जो होगा वो होगा शाम को 6 बजे, ठीक है।
एंड वहां पे जाके कंपटीशन तो हाई रहेगा ही, बाकी चीज तुम समझ लो। देखो पॉइंट नंबर 3 है ट्रस्ट इश्यूज। ओके, आप लोगों में से ना मतलब अधिकतर लोग मेरे को जानते हो, ठीक है, कि मैं कितना ट्रस्ट बढ़ती हूँ। आज तक कभी भी किसी भी टीम के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, इनकेस अगर कुछ हुआ होगा तो मैंने डिजोल्व कर दिया सारी चीजें। ओके, और देखो कभी मैंने गलत चीज का प्रोमो तक नहीं किया आज तक अपने ग्रुप्स में या फिर यूट्यूब पे इन्वाइटेड स्लॉट्स के लिए। सब लॉयल रहा है आज तक पिछले 4-5 महीने से, एंड अब तो बात पैसे की आ रही थी यार, तो जस्ट अभी देखते जाओ चीजें और लॉयल प्रैक्टिकल और एक्यूरेट होंगी, समझने का ट्राई करो, एक बार कोशिश करके देखो, एक बार खेल के देखो, ऑफ कोर्स में मजा आएगा। अभी देखो इंप्रूवमेंट्स क्या होगे, ठीक है, तुम सीखोगे कैसे। देखो मैं बाकी जैसे सीरियस एंड बोरिंग कास्टर नहीं हूं, ओके, पहले बता रहा हूं तुमको, बहुत फ्रैंकली एंड इजी वे में कास्ट करता हूं, उतना फॉर्मल होना ऑफ कोर्स बोरिंग होता है, तुम्हें भी मजा नहीं आता, मुझे भी मजा नहीं आता, ठीक है। मैं आपकी गलतियां लाइफ में दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा उसी लाइफ में सॉल्यूशन बताऊंगा, एंड अगर आप अच्छे परफॉर्म करोगे तो यार अगले दिन आपके ऊपर वीडियो भी आएगी, आपको फुल एक्सपोजर मिलेगा, मेरे तरफ से फुल सपोर्ट। ओके, सिर्फ मेरे तरफ से नहीं, अपने यहां पब्लिक भी है, तो मैं ऑफ कोर्स सपोर्ट करेगी, जब तुम शेयर करोगे इस चैनल को, जब तुम शेयर करोगे स्क्रीन्स को, तो और लोग आएंगे एंड और लोग तुम्हारा टैलेंट देखेंगे, तुम और तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यार ऑफ कोर्स लॉयलिटी पेड स्क्रीन्स बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाले तुम्हारे लिए, तुम्हारी जर्नी के लिए। तो देखो मेरा 5वां पॉइंट जो कि होने वाला है ना, वो है मतलब इंटेंशन फॉर डूइंग दिस, ठीक है। ऐसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा फ्रेंकली वे, मतलब थोड़ा इजी वे में समझने का ट्राई करो, ठीक है, जस्ट रफली। बाकी लोग कोई पेड स्क्रीन्स करवा रहे, ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या है कि भाई पैसा कमाना, ठीक है, पैसा कमाना, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पीछे कहीं ना कहीं मेरा भी वही है कि पैसा तो ऑफ कोर्स जो आएगा वो आएगा, बट मेन चीज क्या है यार, देखो बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि बस उनका क्या है यार, मतलब मान लो तुम्हारा 50 रुपये ले रहा है तो बाकी लोग तुम्हें बस 350 तक का प्राइस पूल देते हैं, ठीक है, जहां मैं तुमको 450 का दे रहा हूँ, एंड वहां पे वो लोग क्या है कि भाई बस 6 मैचेस करवाया, लोग आए खेले एंड गए, और कुछ मैटर नहीं करता उनके लिए, ठीक है, और कुछ मैटर नहीं करता, तुम वहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तुम्हारे कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, डजन मैटर फॉर देम, ओके, बट मैं तुम्हारे लिए तुम्हें सिखाने के लिए खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, खेलते खेलते सिखाऊंगा, एंड मेन चीज़ है कि सीरियसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इसे कराने का मेन रीज़न वही है। अभी जब मैं फ्री वाला करा रहा था, ऑफकोर्स सर बहुत सारी ऑडियंस थी, बहुत लोग खेल रहे थे, नो डाउट बहुत बेस्ट रहा सारी चीज़ें, एंड आगे भी मैं करते रहूँगा, फ्री वाला भी होगा, ठीक है, बट क्या होता है कि देखो ऑडियंस बहुत है फ्री फायर के अंदर जो कि पेड स्क्रीम्स खेलती है, एंड बकवास जगह जाकर खेलती है, ऐसे जगह जाकर खेलती है जहाँ पे खुद पता नहीं ऑर्गेनाइजर की कौन सी टीम है, जानते तक नहीं तुम्हें, ठीक है, बस तुम जा रहे हो नॉर्मल पेड ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, एंड भाई खेले 6 मैच टाइम पास के लिए, 6 मैच 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, कह दिया भाई हम ग्राइंड कर रहे हैं, काम खत्म, और कुछ नहीं, कुछ नहीं है, खुद में कोच रहे, गाली गलौज हो गया, अच्छा नहीं हुआ, टीम टूट गई, स्पोर्ट्स का करियर खत्म, सब बर्बाद। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा अपने यहाँ, ठीक है, अपने यहाँ अलग होगा, इसलिए कह रहा हूँ बट ट्राई करो लॉयलिटी पेड स्क्रीम्स, ठीक है, यस स्टार्ट करो, यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, ग्रुप लिंक पे जाओ, एंड रजिस्ट्रेशन टाइम वगैरह पे मेरे को DM करके स्लॉट बुक करो, एंड और मैं क्या ही बोलूँ तुमको, बाकी चीज़ें समझने का ट्राई करो, ठीक है, मेरा मेन मोटिव है तुम्हें ई-स्पोर्ट्स को बढ़ाना, ओके, एंड बाकी ऑर्गेनाइजर जैसा नहीं कि भाई बस सिर्फ पैसा नहीं, इधर मोटिव है कि भाई ग्रो होना चाहिए ई-स्पोर्ट्स, ठीक है, खैर जो कुछ भी अभी तो समझने की कोशिश करो, ओके, तो फिर बाय गाइस, हाँ भाई अभी तुम समझ गए होगे अभी तक यार क्यों लॉयलिटी स्किल्स बेस्ट होने वाला है, ओके, चलो। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे